फ्रेंड्स फ्रेंड्स कोशिश करना, वीडियो को आखिरी तक देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, उसमें हमसे बोला है कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, डिस्क जैसा, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है डिस्क जैसा, जो कि फ्री टू रोटेट है, मतलब कि ये अपने एक्सिस पे घूम सकता है, तो फ्री टू रोटेट है। उस पर एक बंदा खड़ा है जो कि एक छाता लिया हुआ है। और फ्रेंड्स, हमें बोल रखा है कि जो बॉय और प्लेटफॉर्म का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 3×10⁻³ kg m². और फ्रेंड्स, ये जो अम्ब्रेला है उस बंदे के हाथ में, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, 2×10⁻³ kg m². फ्रेंड्स, फिर हमसे बोल रहा है कि when umbrella is twisted with 2 radian per second with respect to platform, what will be एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब ये है कि इनिशियली ये बंदा खड़ा हुआ है शांत छाता लेके, फिर ये क्या करता है, छाते को 2 radian per second से घुमाने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये छाते को घुमाएगा किसी डायरेक्शन में, तो ये जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है वो स्टिल नहीं रहेगा फ्रेंड्स, वो भी घूमना चाहेगा, घूमने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये फ्री टू रोटेट है, दैट मीन्स किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, जब ये अम्ब्रेला को किसी भी डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये जो प्लेटफॉर्म, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ये भी किसी डायरेक्शन में घूमेगा। तो वही हमसे पूछा है फ्रेंड्स कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी जब ये अम्ब्रेला को ट्विस्ट करता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म है, ये मैन है, और इसके हाथ में एक अम्ब्रेला है। अब इसने 2 radian per second से इसको घुमाया। तो फ्रेंड्स, हमें यह बात पता है कि अगर इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जो है किसी सिस्टम का, अब यहाँ पर सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, सिस्टम है ये प्लेटफॉर्म, बॉय या मैन, और ये अम्ब्रेला, ये तीनों मिला के एक सिस्टम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनिशियली अगर इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है, तो फाइनली भी इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होना चाहिए। यही होता है फ्रेंड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो फ्रेंड्स, इनिशियली तो ज़ीरो है, हमें पता है, फाइनली जो है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है उसको फ्रेंड्स हम लिखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अम्ब्रेला प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस बॉय, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस बॉय। तो फ्रेंड्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास क्या होता है, यहाँ पे अम्ब्रेला जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, क्यों, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इसका मतलब भी उसने जो अम्ब्रेला को है पॉइंट मास कंसिडर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, तो वही लिखा है मैंने आई ओमेगा। ये हो गया क्या, अम्ब्रेला का एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म प्लस बॉय का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस बॉय प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एंगुलर वेलोसिटी ये जो यहाँ पर हम ले रहे हैं अम्ब्रेला की, वो भी हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ऑल राइट, तो आई अम्ब्रेला जो हम ले रहे हैं, आई अम्ब्रेला इंटू ओमेगा अम्ब्रेला, तो यहाँ पर जो ओमेगा अम्ब्रेला है वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। और ये जो प्लेटफॉर्म प्लस बॉय का जो एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। तो फ्रेंड्स, आई अम्ब्रेला इंटू ओमेगा ऑफ
अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा फ्रेंड्स? हम ये मान ले रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो अम्ब्रेला है वो 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। और ये मैन ने होल्ड कर रखा है, और फ्रेंड्स ये जो है एक मैन कहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, और प्लेटफॉर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, ये 2 से रोटेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा होकर के देखेगा तो उसको इस अम्ब्रेला की एंगुलर वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी फ्रेंड्स? उसको जो अम्ब्रेला की एंगुलर वेलोसिटी है वो दिखाई देगी 2 माइनस ओमेगा। ये तो फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से निकालने की। अब थोड़ा मैथमेटिकल टेक्निक देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि अम्ब्रेला ओमेगा अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितनी है, प्लस 2। इसको हम बोल रहे हैं ओमेगा यू पी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ओमेगा यू पी बोल रहे हैं, प्लस 2 है। और ओमेगा प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओमेगा पी जी प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, माइनस ओमेगा हमने बोला, क्योंकि हमने इसको लिया क्लॉक वाइज तो इसको हमने माइनस ओमेगा बोला। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ओमेगा यू पी यानी कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगी, इक्वल टू ओमेगा यू पी इक्वल टू ओमेगा यू जी माइनस ओमेगा पी जी। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फ्रेंड्स फार्मूला यही होता है, अगर आपको नहीं पता है तो सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओमेगा यू पी इज इक्वल टू ओमेगा यू जी माइनस ओमेगा पी जी, इसको ऐसे ही लिखते हैं। यू पी इसको यहाँ से अलग करो, यू अलग पी अलग, फिर यहाँ जी लगा दो, यहाँ जी लगा दो और बीच में माइनस लगा दो। ये टेक्निक होती है रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला लिखने की। अब यहाँ पे जैसे ओमेगा का फार्मूला लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ओमेगा लगा दो, यहाँ ओमेगा लगा दो, यहाँ ओमेगा लगा दो, तो क्या हो गया ओमेगा यू पी इक्वल टू ओमेगा यू जी माइनस ओमेगा पी जी। ये टेक्निक होती है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा यू पी इज इक्वल टू ओमेगा यू जी माइनस ओमेगा पी जी। तो ओमेगा यू पी कितना है, प्लस 2। ओमेगा यू जी कितना है हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है, माइनस। ओमेगा पी जी कितना है, माइनस ओमेगा, ओमेगा पी। देखो फ्रेंड्स इसको हमने प्लस 2 लिया है इसको हमने प्लस 2 रेडियन पर सेकेंड लिया है क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज में है, इसको हमने क्लॉक वाइज में माना है इसीलिए ओ माइनस में ले लिया है, तो इसको हम रख लिया माइनस में, तो माइनस में रख दिया। तो ओमेगा यू जी कहाँ से, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू ओमेगा यू जी प्लस ओमेगा, तो ओमेगा यू जी कितना आ जाएगा, 2 माइनस ओमेगा। ओमेगा यू जी कितना आ जाएगा, 2 माइनस ओमेगा। तो हमें अब पता चल गया कि ओमेगा की अम्ब्रेला की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 माइनस ओमेगा। एक तो ऑब्जर्वेशनल टेक्निक मैंने बताई, दूसरी मैथमेटिकल टेक्निक मैंने बताई। अब देखो फ्रेंड्स आई अम्ब्रेला इंटू ओमेगा अम्ब्रेला कितना, 2 माइनस ओमेगा। आई प्लेटफॉर्म प्लस बॉय इंटू ओमेगा कैसा लेंगे फ्रेंड्स, ओमेगा लेंगे माइनस में। क्यों लेंगे माइनस में, क्योंकि हम इसको मान रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब फ्रेंड्स ये माइनस में है तो ये जो पोर्शन है ये उठ के चला जाएगा कहाँ, राइट हैंड साइड में। तो आई ओमेगा इधर इक्वल टू आई यू मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अम्ब्रेला इंटू 2 माइनस ओमेगा। और ये आई प्लेटफॉर्म प्लस बॉय कितना दे रखा था, 3 × 10⁻³, तो इसको लिख लिया 3 ओमेगा 10⁻³। आई अम्ब्रेला भी 10⁻², 2 × 10⁻³, तो 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया,
ये 3 ओमेगा इक्वल टू 2 × 2 − ओमेगा हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 × 4 और 2 × −ओमेगा − 2 ओमेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये −2 ओमेगा उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 ओमेगा, 5 ओमेगा इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 4/5, ओमेगा इज इक्वल टू 4/5 और 4/5 क्या होता है 0.8, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 0.8 रेडियन पर सेकेंड। तो यही था फ्रेंड्स, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे। मिलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स।